सभी का सिटी मैप पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चंद्रा। शुरुआत करेंगे देश प्रदेश के बुलेटिन के आज के कोरोना अपडेट से। तीसरी लहर की अटकलें तेज, बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए मामले, 509 लोगों ने गवाई जान। दुश्मनों की अब खैर नहीं निगरानी, पोत विग्रह कोस्ट गार्ड में हुआ शामिल, रक्षा मंत्री ने गिनाई इसकी खूबियां। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाकर भारत ने रचा इतिहास, WHO की मुख्य वैज्ञानिक ने दी बधाई। बाहरियों को प्रवेश नहीं, छात्राओं के अकेले घूमने पर प्रतिबंध, सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक्शन में मैसूर विश्वविद्यालय। टिहरी गढ़वाल में फिर दर के पहाड़, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 200 से ज्यादा सड़कें बंद। नोएडा में पेपर मिल में लगी भीषण आग, 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां काबू पाने में जुटी। पंजाब में कांग्रेस के बीच जारी कलह को लेकर राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे हरीश रावत। व्हाइट हाउस के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को काबुल से 12 घंटे में 4200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लाखों छात्रों को एक साथ मिलेगी 3 साल की स्कॉलरशिप, शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल। पलटवार, अमेरिका ने 48 घंटे में लिया काबुल धमाकों का बदला, ड्रोन अटैक में मार गिराया ISIS का साजिशकर्ता। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबत गुल्लाह अंसारी सपा में शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। कोरोना की दूसरी लहर दर्दनाक रही, नियमों का पालन कर बच्चों को रखे सुरक्षित, CM नवीन ने की लोगों से अपील। कर्नाटक में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 30 अगस्त को बंद रहेंगी मीट की दुकानें। पत्नी संग घरेलू हिंसा का मामला, पेशी से छूट के लिए हनी सिंह ने किया दिल्ली कोर्ट का रुख, तबियत ठीक ना होने का हवाला। यूपी के मुरादनगर में सरकारी अस्पताल से 2 दिन का नवजात चोरी, परिजनों ने किया हंगामा। काबुल एयरपोर्ट मत जाओ, तुरंत छोड़ दो इलाका, अमेरिका ने अपने नागरिकों को फिर जारी की एडवाइजरी। विमान के पायलट को दिल का दौरा पड़ा, नागपुर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अफगानिस्तान ब्लास्ट पर डोनाल्ड ट्रंप बोले, काबुल हमला नहीं होता, अगर मैं आपका राष्ट्रपति होता, बाइडेन ने हमलावरों को ढूंढ कर मारने की कही बात। बांग्लादेश के तितास नदी में नाव पलटने से 21 लोगों की मौत, रेत से लदे जहाज से हुई टक्कर। कनाडा में 12 से 17 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, कनाडा ने दी मॉडर्ना को मंजूरी। हर खबर पाने के लिए भी सब्सक्राइब कर हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।